हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गेहूं के आटे के बिस्किट की बहुत ही शानदार रेसिपी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब बिना कोई देर के डिलीशियस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गेहूं के आटे के बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी गेहूं का आटा। ये वही नॉर्मल गेहूं का आटा है जिससे कि हम लोग रोटी बनाते हैं, इसे मैंने छान कर लिया है। सेम कटोरी की साइज़ से मैंने यहाँ पर ली है एक तिहाई कटोरी सूजी। उसी कटोरी का तीसरा हिस्सा हमें सूजी लेना है। मेज़रमेंट के लिए आप कोई भी एक बर्तन फिक्स कर लें। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, जिसे हम खोपरे का बुरादा भी बोलते हैं। एक तिहाई चम्मच इलायची पाउडर या फिर 2 से 3 इलायची का पाउडर। आधी कटोरी पिसी हुई चीनी पाउडर। एक चम्मच वाइट तिल, यहाँ पर एक बड़ा चम्मच वाइट तिल लेना है आपको। अब इन सबको एक बार रफली मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ चीनी पाउडर की जगह पर साबुत चीनी भी डाल सकते हैं, इससे आपके बिस्किट बर्बन बिस्किट की तरह बनेंगे, जिसमें कि अलग से चीनी आती है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये 4 चम्मच देसी घी मोयन के लिए। 4 अच्छी चम्मच भर के 3 से 4 चम्मच आपको देसी घी डालना है इसके अंदर, और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। इसमें किसी तरह की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल अच्छे से आपको मिक्स करना है। आप चाहें तो यहाँ पर साबुत चीनी डालें, आप चाहें तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी डालें, जैसे आपकी चॉइस। इस तरह से आपको आटे को दोनों हथेलियों के बीच में अच्छे से प्रेस करते हुए, दबाते हुए इसकी गुठलियों को अच्छे से निकाल लेना है। इस तरह से मसलना है आटे को। ये देखिए, मैंने आटे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। एक बार आटे की मुट्ठी बांध कर भी देख लेंगे कि हमारा आटा जो है बिखर तो नहीं रहा है ज़्यादा। वैसे ये मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब चाहे तो इस आटे को दूध के साथ गूंथें, या चाहे तो आप इसे पानी के साथ भी गूंथ सकते हैं। पानी के साथ गूंथेंगे तो इसकी वैलिडिटी थोड़े कम टाइम के लिए होगी। अगर आप आटे को दूध के साथ गूंथते हैं तो आपके बिस्किट जो है वो लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। और आप यहाँ पर दूध कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे उबला हुआ दूध ले सकते हैं, चाहे कच्चा दूध भी ले सकते हैं। मैंने यह दूध गर्म किया हुआ दूध लिया है, जो कि सुबह मैंने गर्म कर लिया था और ये फ्रिज में रखा हुआ था। गरम दूध ना लें, गरम दूध को ठंडा होने के बाद ही आप इसे यूज़ करें। ये देखें, मैंने आटे को इस तरह से गूंथ लिया है। आपको सख्त आटा गूंथ कर तैयार करना है बिल्कुल। और इस तरह से आटा गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए आप इसे ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं और आपका आटा जो है सेट हो गया है। आपको आटे को बहुत टाइट ही रखना है, ज़रा से ज़्यादा टाइट भी आप पहले से ही ना रखें, क्योंकि जब आप इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे तो आटे के अंदर सूजी होने की वजह से ये और भी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इसलिए आप पहले से आटे को ध्यान से ही गूंथें। इसका आटा थोड़ा हार्ड ही लगता है। इस तरह से आटे को गोल गोल घुमाते हुए सिलेंडर शेप दे देना है। बस इसी टाइम पे आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, क्योंकि ये जितना आसान दिख रहा है उतनी आसानी से सिलेंडर शेप में नहीं आएगा। अगर आता है तो इसमें बहुत सारे क्रैक्स आ जाएंगे बार बार, इसलिए आप इस टाइम पर बहुत ही अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग से सिलेंडर शेप दें, जहाँ तक हो सके इसमें क्रैक्स ना आने दें। आप अपने हिसाब से बिस्किट का कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेंडर इसलिए बना रही हूँ आटे का, क्योंकि मैं यहाँ पर टोस्ट का शेप देना चाहती हूँ। टोस्ट, चाय टोस्ट, चाय के साथ खाने वाले जो टोस्ट होते हैं, वैसा वाला इसे शेप देना चाहती हूँ। इसीलिए आप चाहें तो इस आटे की पहले मोटी गोल रोटी बना लें, उसके बाद इसे गोल गोल कट करते हुए बिल्कुल गोल बिस्किट भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने कितनी फिनिशिंग से कितना प्यारा सा सिलेंडर बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप इस तरह से इसे कट करते हैं तो आपके गोल गोल बिस्किट बनकर रेडी होंगे। मुझे गोल बिस्किट नहीं बनाना है, इस तरह से मुझे तिरछे वाले बिस्किट बनाने हैं, चाय के साथ खाने वाले बिस्किट। पहले आप इस तरह से एक छोटा टुकड़ा तिरछा कट कर ले, फिर तिरछे तिरछे इस तरह से पहले एक इस तरह से निशान बना ले, ताकि बहुत ही फिनिशिंग से और बिल्कुल एक ही साइज़ के आपके सारे बिस्किट्स बनकर रेडी हों। ये देखिए, पहले मैंने इन सब के ऊपर अच्छे से निशान लगा लिए। उसके बाद नाइफ की हेल्प से बहुत ही आहिस्ता से अच्छे फिनिशिंग के साथ आपको इसे कट कर लेना है। अगर आपको सिलेंडर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मोटी रोटी बेल लें, उसके बाद ढक्कन की मदद से इसे बिस्किट का शेप दे दें। ढक्कन की मदद से इसे कटिंग कर लें इसकी। ये देखिए, मैंने सारे टोस्ट बिस्किट को इस तरह से ये वाला शेप दिया है। कितना प्यारा लग रहा है ये, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं सब तरफ से, जैसे कि चाय के साथ खाने वाले बिस्किट होते हैं, ये सेम उसी शेप और उसी डिज़ाइन का है। ये देखिए, मैंने सारे बिस्किट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। और जब हम बिस्किट की कटिंग कर रहे थे उस टाइम पर मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था, और मैंने इस तेल को
बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा था। और आपको इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है इस बिस्किट की रेसिपी में कि आपका तेल तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मीडियम गर्म तेल में ही आप इन सारे बिस्किट्स को डालें। और बिस्किट्स डालते से ही आप गैस का फ्लेम लो कर दें। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको इन बिस्किट्स को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है, मीडियम पर भी नहीं करना है। बस स्टार्टिंग में आप तेल को मीडियम गर्म कर लें, उसके बाद बिस्किट डालते से ही लास्ट तक जब तक अच्छे से फ्राई ना हो जाए अंदर तक, तब तक आपको गैस का फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर ही आप इसे पकाएं ताकि जो बिस्किट है वो अंदर तक बहुत अच्छे से पक सके, अच्छे से सिक सके, क्योंकि ये गेहूं के आटे के बिस्किट है और ये अंदर से मोटे भी हैं। अगर आप इसे मीडियम फ्लेम पर भी गर्म करते हैं तो ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए हमारे बिस्किट का कलर कितना अच्छा आया है, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और इस तरह से आपके बिस्किट्स के ऊपर क्रेक भी आएंगे, जिस तरह से नान खटाई के ऊपर होते हैं ये सेम वैसे ही बनेंगे। ये देखिए थोड़े थोड़े से क्रेक्स इसके ऊपर दिखेंगे आपको। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। इस गेहूं के आटे की बिस्किट की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं, आप भी खाएं, छोटी भूख में भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खस्ता बनते हैं और ये लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर डिब्बे में स्टोर करके भी रख सकते हैं 15 दिन महीने भर के लिए। आप इसे सफ़र के टाइम पर भी ले जा सकते हैं, इसे इंजॉय कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं घर के बने हुए बिस्किट। आप देख सकते हैं हमारे होममेड बिस्किट कितने अच्छे बने हैं, मैं आपको इसको तोड़कर भी बताती हूँ। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।